घर वाले वापस आने नहीं पढ़ा सकते हैं घर वाले। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो आज जैसे यहाँ पर बलून बेच रहे हो वो अपने फैमिली के साथ बच्चे लेके आएंगे और आप लोग यहाँ बलून बेच रहे होगे। पार्क के सामने दो बच्चे बलून बेचते हुए नजर आ रहे थे मुझे, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे सिर्फ बलून बेचते हैं या फिर ये स्कूल भी जाते हैं। आपका नाम क्या है भाई? कृष्णा। कृष्णा, अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ट्रक चलाते हैं। आप लोगों का घर कहाँ पर है? वही बोधघाट थाना के पास शंकर मंदिर पेशी पार में। आपने बलून बेचने का काम कब से शुरू किया है? कितना दिन हो गया बलून बेचना शुरू किए हो? संडे से। अभी अभी से शुरू किए हो? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम काम कर रहा था। मैं क्या काम कर रहे थे आप? मैं बिल्डिंग दुकान में। बिल्डिंग दुकान में कर रहे थे काम? तो आपके पिताजी मना नहीं करते हैं कि आप मत जाओ काम में, आप स्कूल जाओ बोल करके नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। कब छोड़े थे आप स्कूल? मैं पहला लॉकडाउन को। कौन से क्लास में थे तब? मैं तब छठवीं था। छठवीं क्लास में थे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पढ़ना लिखना जरूरी है? लगता तो है। तो फिर स्कूल नहीं जाने का सबसे मेन कारण क्या है मुझे बताओ जरा? मन नहीं लगता है, घर वाले मना किए, घर वाले नहीं पढ़ा सकते, क्या बात है? घर वाले पैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। घर वाले पास पैसा नहीं पढ़ा सकते है ना। और एक बात बताओ, आप गुटखा खाते हो क्या? कभी कभार खाता हूँ। अच्छी चीज है गलत चीज है? गुटखा गलत चीज है, नहीं खाना चाहिए ना। ये कौन है आपके भाई? छोटे भाई, क्या नाम है आपका? भागेश्वर। भागेश्वर, भागेश्वर भैया आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? लॉकडाउन से गांव गया था तो छूट गया स्कूल। कौन से क्लास में पढ़ के छोड़े आप? पांचवी। पांचवी क्लास में। पढ़ाई जरूरी नहीं लगता है आपको कि पढ़ना लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? लगता तो है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते हो? घर वाले नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्या? जो ऐसे भाई बोल रहे हैं आपके, सही बात है गलत बात है? सही है। आपके माताजी क्या करते हैं? मम्मी घर का काम करते हैं। स्कूल जाने का मन करता है नहीं करता है? करता तो है। करता है। अच्छा, बलून बेच के कितना कमा लेते हो दिन का? दिन का 400-500। 400-500 कमा लेते हो। और इसका अगर अपन काट लें, कॉस्ट कटिंग कर लें है ना, बलून जितने का खरीदते हो उसको अगर माइनस कर दें तो फिर कितना बचता है काट फिट के? काट फिट के 200। 200 रुपये बच जाता है। और ये काम एक सप्ताह आप लोगों को शुरू हुआ, आप इससे पहले क्या करते? आपके भाई तो वेल्डिंग दुकान में काम करते, आप क्या करते थे बताओ? चाय ठेला में। चाय ठेला में। तो अभी चल रहा है मार्च, अगले जुलाई में क्या प्लान है, क्या लगता है पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ठीक है? अभी आपके साथ वाले है ना, जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं आने वाले 10 से 15 साल बाद वो अधिकारी होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे, कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो आज जैसे यहाँ पर बलून बेच रहे हो वो अपने फैमिली के साथ बच्चे लेके आएंगे और आप लोग यहाँ बलून बेच रहे होगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको पढ़ाई करना है कि सिर्फ बलून बेचते रहना है। क्या बोलते हो, पढ़ाई करोगे, स्कूल जाओगे? हाँ। आपके घर वाले नहीं पढ़ा सकते बोल रहे हो, तो फिर कैसे करोगे? खुद के दम पे। देखो गवर्नमेंट स्कूल अपन जाते हैं तो वहाँ तो फीस नहीं लगता है, किताबें भी मिल जाती है गवर्नमेंट स्कूल से, मिलती है ना। तो आप जिस स्कूल में छोड़े थे वो स्कूल में दोबारा जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं। जा सकते हो ना। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, बिना पढ़ाई के व्यक्ति क्या है? शून्य है, ठीक है? कम से कम इतना पढ़ लो कि हिसाब किताब कर सको, कहीं मौका मिले तो आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सको। सही बात है गलत बात है? सही बात है। तो चलो उठो, इस बार जाओगे स्कूल? इस साल जाऊंगा। चलो प्रॉमिस करके बोलो, एक बार बोलो। जाऊंगा। जाओगे ना? हाँ। चलो ठीक है, आप लोगों के माता पिता को बोलना स्कूल भेजेंगे आप लोगों को, ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल में पैसा नहीं लगता है, ठीक है? ऐसे हाँ, बोधघाट में ही गवर्नमेंट स्कूल होगा, सरकारी स्कूल है ना, नहीं लगता है वहाँ पर पैसे। तो आप लोग जाइए, देखिए आप लोग स्कूल से आने के बाद भेज सकते हो, 4 बजे छुट्टी हो जाता है स्कूल का, ठीक है? सही बात है गलत बात बताओ, कितना बजे छुट्टी होता है? हाँ 4 बजे। 4 बजे छुट्टी होता है तो 4 बजे आके अपना बलून का काम कर सकते हो आप, है ना? आपका काम भी बंद नहीं होगा, साथ ही साथ आपकी कमाई भी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। सही बात है जी, ठीक है ना? देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, साथ ही साथ जो है कई बच्चे जो है इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से या फिर गलत रास्ते में चले जाते हैं, इस वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे बच्चों को इंस्पायर करना जरूरी है ताकि ये बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ लिख करके अपना भविष्य बना सके।